हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूब चैनल और एक नए वीडियो में स्वागत है। गाइस, आज मैं बात करूंगा जियो फोन में एक दो ऐप अपडेट आए है, तो इस अपडेट के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा कौन सा ऐप अपडेट आए है। तो चलिए प्लीज़ देख लेते हैं। तो अगर हमारे चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिए, ताकि जियो फोन रिलेटेड हर वीडियो, हर टिप्स, हर अपडेट आपको हमसे अगले चैनल में मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास देख सकते हैं जियो फोन प्राइमा है। आपके पास अगर जियो फोन भी है तो उसके में उसमें भी अपडेट आ सकता है। तो प्लीज़ चैनल को देख लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए, आपको सारी चीज़ पता चल जाएगा। तो गाइस, मैं ऑन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने जाके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज़ में, तो न्यूज़ में देख सकते हैं जियो न्यूज़ ऐप को अपडेट आया है। तो बहुत सारे लोग इस ऐप को यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें सारे न्यूज़ आपको मिल जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा ऐप है, तो इस अपडेट में आप इस ऐप को अपडेट आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में अपडेट लिखा आया है, उसके साथ साथ देख सकते हैं PDF व्यूअर। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ऐप में अपडेट आया है, तो दोनों बड़ा ऐप है। तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, अगर कुछ नया चीज़ आती है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं मैं अपडेट में बैठा रहा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट। तो आप लोग अपडेट नहीं करना जानते तो यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट लिखा है, तो यहाँ पे मिडिल वाला स्विच में दबाइएगा, अपडेट हो जाएगा स्टार्ट। तो इसको अपडेट बैठा देता हूँ, उसके साथ साथ मैं इस व्यूअर PDF व्यूअर को भी अपडेट में बिठा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट। तो चलिए अपडेट होने देते हैं, उसके बाद आपको सारी डिटेल में बात करते हैं। तो गाइस, दोनों ऐप मैं अपडेट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं जियो न्यूज़, तो पहले जियो न्यूज़ कौन करके आपको दिखाते हैं कुछ नया फीचर्स आया है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले लोडिंग होता है, उसके बाद सारी डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ एंड तक देख लीजिए, आपको सारी चीज़ पता चल जाएगा। तो गाइस, यहाँ पे खास कुछ फ़र्क नहीं दिख रहा है मुझे, जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको जो ऑप्शन मिलता था पहले की कैटेगरीज का ऑप्शन, यहाँ पे अभी तक नहीं मिला है। जो बस जो चीज़ पहले से था वही है, सब कुछ प्रॉब्लम्स है। जियो न्यूज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोग जानते हैं कि पहले बहुत अच्छा से काम करता था, लेकिन अभी बहुत बुरा से काम करती है। बस हेडलाइन आपको देखने को मिलता है, लेकिन कैटेगरीज में आप चाहते हो कि मैं स्पोर्ट्स का दिखूँ, क्या देश का दिखूँ, क्या इंटरनेशनल कुछ खबर देखूँ, या टेक खबर देखूँ, तो आप लोग को देखने को नहीं मिलता, बस यही ऑप्शन मिलता है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी फिक्स नहीं हुआ है, बस कुछ वर्सन हो सकता अपडेट हुआ है, बस इतना ही। तो ये जियो न्यूज़ में बहुत सारे प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि कैटेगरीज में हम लोग न्यूज़ नहीं देख सकते, क्योंकि हम लोग एक हो सकता है कि स्पोर्ट्स की देखना चाहिए मुझे, तो मैं नहीं देख सकता। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भी है, कुछ भी फिक्स नहीं किया गया है, बस वर्सन अपडेट हुआ है। तो इसको बहुत सारे काम करना है जियो को, तो मैं बस इतना ही बोलता हूँ कि आप लोग इसके ऊपर काम कीजिए कि कैटेगरी हम लोग कैटेगरी वाइज हम लोग न्यूज़ देख सके। तो इसके बाद मैं बताता हूँ PDF व्यूअर। तो यहाँ पे देख सकते हैं PDF व्यूअर, तो PDF व्यूअर में भी कुछ नया ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, बस आप लोग यहाँ पे आके जो देख सकते थे वही देखने को मिल रहा है। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं दोनों ऐप को, बहुत ही अच्छा है ये PDF व्यूअर, तो बहुत ही अच्छा ऐप है, क्योंकि जियो फोन में भी PDF व्यूअर से मध्यम से PDF देख सकते हो। तो बस इतना ही अपडेट आया है, इसका भी वर्सन चेंज हुआ है वर्सन, लेकिन कुछ भी नया फीचर्स नहीं आया है। तो इतना बड़ा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जियो फोन रिलेटेड आपको हर चीज़ मिल जाएगा इस चैनल में।